नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में राजस्थान रॉयल की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन दो मैच जीतने के बाद टीम के हिस्से लगातार 3 हार आ चुकी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल को 57 रन से हार का सामना करना पड़ा। किरण पोलार्ड राजस्थान रॉयल के खिलाफ मैच के दौरान खतरनाक दिख रहे जोस बटलर का बाउंड्री पर एक ऐसा कैच लिया जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। पोलार्ड ने बटलर के मारे गए शॉट पर लॉग ऑन बाउंड्री पर उछलकर कैच लिया, लेकिन 3 कोशिश में ही कैच को लेने में सफल रहे। जोस बटलर ने छक्का मारने के लिए हवा में शॉट खेला जो सीधे लॉग ऑन बाउंड्री के पार जा रही थी। ऐसे में बाउंड्री पर खड़े पोलार्ड ने हवा में उछलकर एक हाथ से कैच लेने की कोशिश की। हालांकि गेंद उनके हाथ में आई, लेकिन पहली कोशिश में कैच को पकड़ नहीं पाए। गेंद उनके हाथ से निकलकर जमीन पर गिरती, उससे पहले ही किसी तरह से पोलार्ड ने तीसरी कोशिश में गेंद को पकड़ लिया। इस तरह से बटलर की धुआंधार 70 रनों की पारी खत्म हुई। बता दें, बटलर ने 44 गेंद पर 70 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। बटलर का आईपीएल में ये 100वां अर्धशतक था। जोस बटलर का कैच जिस तरह से पोलार्ड ने लिया, सोशल मीडिया पर उनके कैच की बातें होने लगी हैं। सचिन तेंदुलकर ने पोलार्ड के कैच पर अपना रिएक्शन दिया और ट्वीट कर लिखा, पोलार्ड ही ऐसा कैच ले सकते हैं। बता दें, बटलर ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 1500 रन भी आईपीएल में पूरे कर लिए हैं। बता दें कि मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी और 193 रन 20 ओवर में बनाए थे। मुंबई की ओर से सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी की और सबसे ज्यादा 79 रन बनाए और नाबाद रहे। राजस्थान की ओर से केवल बटलर ही एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने जमकर बल्लेबाजी की। मुंबई इंडियंस के खिलाफ बटलर ने पिछली 3 पारी में 94, 89 और 70 रनों की पारी खेली है। राजस्थान मुंबई को 57 रनों से हराकर फिर से पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।